हाय एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे होम शॉप में। मैं अर्चना सिंह, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ टपरवेयर में और होम शॉप ऑनर भी हूँ। तो मौसम है बारिश का और आपके लिए बहुत ही एक अच्छा वीडियो आज मैं शेयर करूँगी जो रिलेट करता है हमारे लिक्विड टाइट और एयर टाइट कंटेनर्स हैं। जो तो आप देख रहे हैं मेरी टेबल में तीन कंटेनर्स रखे हुए हैं, सेट ऑफ थ्री, जिनका नाम है एसएस बाउल। एसएस बाउल स्पेशली यूज़ होते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाता है इनका, कि आप इनको वेट आइटम के लिए भी यूज़ करते हैं, ड्राई स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो ये हमारे कंटेनर आप देख रहे हैं स्टैकेबल हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं और स्पेस सेवर हो जाते हैं, जिससे ये जगह बहुत कम लेते हैं। और इनके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, इनके फीचर्स, जो इसकी सील है, ये सील इसकी लिक्विड टाइट सील है, देखिए पूरी लिक्विड टाइट सील है और साथ में एयर टाइट भी है। इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर और सेकंड जो है मेरा इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर और जो लास्ट है इसकी कैपेसिटी है 4 लीटर। तो फर्स्ट टाइम टपरवेयर में हमारे ये 3 टाइप्स के कंटेनर एसएस बाउल आए हैं। और आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर क्या रखा हुआ है, ये पापड़। जितने बड़े साइज के जो पापड़ होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको स्टोर करना बड़ा ही मुश्किल रहता है, पर इसकी गोलाई और चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से, और स्लिम है ये बहुत, जिसकी वजह से आप कहीं भी इसे अपने ड्रॉज में किचन की रख सकते हैं। अब सेकंड में मैंने देखिए रखा हुआ है इस टाइप के, जो खाखरा जो होता है, जो हमारे गुजराती में, महाराष्ट्र में स्नैक्स के लिए बहुत यूज़ होता है। देखिए कितने अच्छे से इसमें मैंने रखा है, तो काफ़ी मैनेजेबल हो गया है और ये 1 मंथ तक भी इसमें ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये लिक्विड टाइट एयर टाइट दोनों होने की वजह से। और ये मेरा 4 लीटर का कंटेनर है जिसमें देखिए मैंने अपने पापड़ बना के रखे हैं। तो ये पापड़ आप ऐसे भी रख सकते हैं और साथ में फ्राई करके भी रख सकते हैं। तो डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, काफ़ी टाइम तक आपका इसमें बने रहेंगे। और इसमें इनकी खास बात और क्या है, इसमें आप सर्विंग के लिए यूज सकते हैं, राइट, स्नैक्स सर्व कर सकते हैं, जैसे आपका दही बड़ा हो गया या कस्टर्ड है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टेबल पर, पुलाव है। और सबसे अच्छी बात है इसमें आप मेथी का आटा पूड़ी वगैरह बनाने के लिए 6-6 दिन तक बिल्कुल काला नहीं होता, एकदम फ्रेश रहता। अगर आप स्टील के कंटेनर में आटा स्टोर करके रखेंगे तो क्या होता है, काला पड़ जाता है, क्योंकि वो कंटेनर लिक्विड टाइट नहीं होते हैं, एयर टाइट भी नहीं होते, तो हवा पास हो जाती है। तो फ्रेंड्स, तो इसका फ़ायदा उठाइए। ये हमारा ये मंथ ऑफ अगस्त में जा रहा है ऑफर, और ये पूरा कॉम्बो आपको मिल सकता है 1990 में इसका MRP।